उस समय की ये रागनी है जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का राज दिल्ली में हुआ करता था और चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह जिन्हें राणा भीम सिंह के नाम से जाना जाता है उनका राज हुआ करता था। साथियों किसी के द्वारा बताया गया कि राणा भीम सिंह के घर में जो रानी है पद्मावत बेहद खूबसूरत है, देखने की ललक पैदा हो जाती है और राणा भीम सिंह के वहां पर चित्तौड़गढ़ में पहुंच जाता है। बड़ा आदर सत्कार राणा भीम सिंह करते हैं, बातों ही बातों में कह देता है कि राणा जी हम तेरी पत्नी को देखने के लिए आए हैं। प्रेमी साथियों ऐसे शब्दों को सुनते ही आंखों में लहू उतर आता है और यूं कहने लगा राणा भीम सिंह कि अतिथि देवो भवा, अरे जो अतिथि होता है हम उसे भगवान की तरह पूजते हैं, तू हमारे यहाँ पर आया है इसलिए तुझे बख्श रहे हैं, वरना जितनी तूने बात करी है इतनी देर में मयानों से शमशीरें बहत हो जाती है, धड़ से सर अलग कर दिया जाता है। मेहरबानो हाथ जोड़ के खिलजी खड़ा हो जाता है, कहने लगा मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था, अरे मैंने उस देवी के रूप के चर्चे सुने हैं, मैंने उस देवी के रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेमी साथियों जब ऐसी फरियाद करता है अब तो एक योजना बनाई जाती है कि एक बड़ा सा शीशा एक दर्पण लगाया जाएगा और उसके सामने से रानी पद्मावत को निकाला जाएगा, क्योंकि हम अपनी औरतों को इस तरह से नहीं निकाला करते। मेहरबानों ऐसा ही होता है, एक दर्पण एक शीशा लगाया जाता है और उसके सामने से जब रानी पद्मावत को गुजारा जाता है उसके रूप और हुस्न की झलक जब शीशे पर पड़ती है देख करके मोहित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी और न्यू कहने लगा राणा जी कभी हमारी दिल्ली में भी आइए आपकी खातिरदारी करेंगे। वो सादा भोला भीम सिंह दिल्ली जाता है, कैद कर लिया जाता है। अब तो खिलजी परवाना भेजता है चित्तौड़गढ़ और कह देता है कि जब तक रानी पद्मावत का डोला नहीं लाया जाएगा तब तक राणा भीम सिंह के गोद कैद को नहीं छोड़ा जाएगा। परवाने को जब रानी पद्मावत पड़ती है प्रेमी साथियों आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचने लगी एक तरफ मेरा धर्म है और एक तरफ मेरा पति है, करूं तो क्या करूं। भीम सिंह का भांजा बादल जो कि चंदेरी राजधानी में रहता है बादल से मदद लेने के लिए पहुंचती है और जब जाकर के देखती है बादल घोड़ी पर सवार है, सर पे मौड़ बंधी हुई है, औरतें गीत गा रही है, गुड़चड़ी हो रही है, शादी की तैयारियां हैं। अरे इससे बातें करूं तो कैसे करूं। प्रेमी साथियों कभी महोदय ने हवाला बताया औरतों के बीच में रानी पद्मावत पहुंचती है और एक गीत उठाती है, गीत के माध्यम से बादल से बात करती है, अरे बादल जिस शादी को तू करने के लिए जा रहा है ये शादी बाद में भी हो सकती है, तेरे मामा भीम सिंह को कैद कर लिया गया है, बात आज धर्म की है। किस तरह से क्या गीत उठाती है, कौन से गीत से वार्तालाप करती है रानी ये बताया वाला। हेलो गीत के माध्यम से गीत कौन सा उठाती है वाला। न्यू बोली रे फरियाद मेरी और तुम्हें सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही, बैदनद की कहानी मेरी सरपंच साहब ढाणा से, वो भी इस रागनी पे खुश होकर के 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं और 1100 रुपए मंदिर में भी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए परम आदरणीय नरेंद्र फौजी जी जिन्होंने 2100 रुपए पहले दिए हैं, 500 रुपए इस रागनी पे खुश होकर के दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं।
500 रुपए परम आदरणीय तेजू ठेकेदार साहब जी, इन्होंने पहले भी कई सौ का दान दिया और 500 फिर दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय अनिल कुमार ढाणा जी, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले और 500 रुपए फिर इस रागनी पे खुश होकर के दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय भाई मुकेश टिक्की जी, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, कई हजार रुपए पहले दे चुके हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय तेजवीर सिंह जी, मंदिर के सेवक साहब, वो भी 500 रुपए से अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। पहली कली के माध्यम से, गीत के माध्यम से क्या बात करती है बड़ा पदमा। आई हूँ चित्तौड़ से नार पद्मिनी नाम से, आई हूँ चित्तौड़ से नार पद्मिनी नाम से, सोपा तो का तोड़ से बादल तुझसे काम से, सोपा तो का तोड़ से बादल तुझसे काम से, और कहानी तमाम से रे। मामा को बात आज धर्म की है, अगर हो सके तो धर्म को बचा ले अपने मामा की कैद को छुटा दे, किस तरह से क्या कहता बोला। तेरा मामा जेल में दिल्ली के दरमियान है, तेरा मामा जेल में दिल्ली के दरमियान है, फस गया दगा के खेल में खतरे में ईमान है, फस गया दगा के खेल में खतरे में ईमान है, और जाति दी खसान है रे, और जाति दी खसान है, मैं बंदे में भाई फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। मम्मी का डोला मांग रहा है कि जब तक उसका डोला नहीं लाया जाएगा, जब तक भीम सिंह की कैद को नहीं छोड़ा जाएगा, आज खतरे में हमारा ईमान है, हमारा धर्म है, अगर हो सके तो बचा ले रे लाडले, किस तरह से क्या कहती है बला। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दे। नेता हो तो ऐसा हो, बाबा श्याम के द्वार पर आए हैं, बाबा श्याम मौनी बाबा, भगवान करे उनकी मनोकामना पूर्ण हो, और होगी भी, क्योंकि जिनके दिल में सच्चा भाव होता है, इतने बड़े दानवीर इस तपस्वी भूमि पर आए हैं, जरूर नैया पार होगी। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। परम आदरणीय राकेश यादव जी हयातपुर से हमारे बीच में हैं, 11,000 रुपए पहले 5100 और 11,000 फिर दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। खिलजी डोला
खिलजी डोला मांगता, खिलजी डोला मांगता आके जाता जोर में, खिलजी डोला मांगता आके जाता जोर में, ढिंगा ढिंगी में ढिंगा ढिंगी में धांगता बंधा पाप की डोर में, ढिंगा ढिंगी में धांगता बंधा पाप की डोर में, कहूं मचा के शोर नहीं माध्यम से रानी पद्मावत न्यू कहने लगी, रे बादल तेरी मामी पद्मावत तेरे पास में बड़ी आस और उम्मीद लेकर के आई है, जिस शादी को तू रचाने के लिए जा रहा है ये बाद में भी हो सकती है, पहले अपने मामा की कैद को छुटा दे, जो मोड़ तूने सिर पे रख रखा है इस मोड़ को उतार करके खूंटी से टांग दे रे लाडले, हाथ में तलवार उठा ले, अगर आज तुझे धर्म प्यारा है। किस तरह से लास्ट कली के माध्यम से कहने लगी, इस रागनी पे खुश होकर के कई हजार रुपए पहले और 500 रुपए फिर से परम आदरणीय भाई केपी ठेकेदार जी, वो भी 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। एक है लास्ट कली मला शादी करना बाद में खूंटी धरते मोड़ तू, हो शादी करना बाद में खूंटी धरते मोड़ तू, वीर सिंह के साथ में पहुंच अभी चितौड़ तू, वीर सिंह के साथ में पहुंच अभी चितौड़ तू, और रण की कर ले दौड़ तेरी, सही।